हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम ये इतना बिग साइज का टेबल मैट बनाएंगे। आज देखिए इतना सुंदर है और बहुत ही आसान है, हम आसानी से हम बना सकते हैं और बहुत ही जितना बड़ा चाहे उतना बड़ा बना सकते हैं। डाइनिंग टेबल मैट या इतने बड़े से स्टडी टेबल मैट बना सकते हैं। तो ये देखिए कैसे सब लग रहा है। तो हम चलिए शुरू करते हैं बनाना। ये देखिए इसके ये टिकिया के पर बना हुआ है, तो सबसे पहले हम टिकिया बनाएंगे इसके लिए। इसी से रिलेटेड ये देखिए ये छोटा सा मैंने बनाया है और वो बड़ा बनाया है। ये मैंने दो टिकिया से बनाया है और वो आठ टिकिया से बनाया है, तो दोनों तरह का बना सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ऐसे ये ले लेंगे हम मैजिक रिंग, फिर तीन चेन करना है हमें, दो तीन चेन, फिर इसी में ही हमें दो डबल क्रोशिया करना है, एक डबल क्रोशिया, एक दूसरा डबल क्रोशिया और ये तीन चेन वाला। तो ये हमारा तीन डबल क्रोशिया कहलाएगा, क्योंकि ये तीन चेन को भी हम एक डबल क्रोशिया के बराबर मानते हैं। फिर ये दो चेन, फिर इसमें एक डबल क्रोशिया, बीच में हमने दो चेन ले लिया है, फिर दूसरा डबल क्रोशिया और ये तीसरा डबल क्रोशिया। ये हो गया हमारा, इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं अपने हिसाब से। फिर दो चेन लेना है, देखिए ऐसे। अब ये देखिए फिर से हम वैसे ही करेंगे, तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, दूसरा डबल क्रोशिया और ये तीसरा डबल क्रोशिया। एक सेकेंड, ये तीसरा डबल क्रोशिया, ये तो हमारा एक इधर का ये देखिए पत्ता जैसा बना, ये दूसरा और ये तीसरा, तीन बन गए। फिर दो चेन लेंगे, फिर ये तीन डबल क्रोशिया करेंगे, एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया और ये तीसरा डबल क्रोशिया। देखिए तो हमारा टोटल हमें चार करना है। देखिए तीन तीन का ग्रुप हमें चार बार बनाना है, बीच में दो दो चेन लेकर। अब मैं इसको ऐसे टाइट कर लूंगी, ऐसे धागा मैंने खींच दिया क्योंकि मैजिक रिंग बनाने में खींच जाता है आराम से। फिर मैं यहाँ पे दो चेन करके इसको नीचे कर लेते हैं। फिर यहाँ पे जो तीन चेन बनाया था उसी के ऊपर वाले फंदे में हमने इस तरह से डालकर और ये स्लिप नॉट करके ये एक चेन लेकर इसे कट कर देना है। देखिए हमने कट कर दिया है, ये हो गया। अब मैं ये रेड कलर लगाऊंगी, रेड कलर का। फिर हम जो गैप लिए थे इस वाले गैप में हमें ऐसे फंदा ले लेना है, ऐसे ऐसे, ये हो गया। और फिर ये जो दो चेन का गैप लिया है हमने कहीं से भी, यहाँ हमें इस तरह से डालना है ऐसे बांधते हुए। फिर एक चेन, दो चेन, तीन चेन, इसी में ही हमें डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए एक डबल क्रोशिया और ये तीन चेन का, तो दो हो गए हमारे। फिर एक और डबल क्रोशिया, तो ये तीन डबल क्रोशिया हो गया, एक तो तीन चेन वाला और ये दो डबल क्रोशिया। फिर दो चेन, एक दो चेन। अब इसी वाले छेद में इसी वाले देखिए एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया और ये तीन डबल क्रोशिया, ये देखिए इस तरह से हो गया। फिर एक चेन, अगले फंदे में जाने के लिए हमें एक चेन लेना है। फिर ई वाला, इस वाले गैप में ना यहाँ पे अब ई वाले दो चेन के उसमें हमें ऐसे करके, फिर यहाँ हमें पहले तीन डबल क्रोशिया करना है, एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया और ये तीसरा डबल क्रोशिया। शुरू शुरू में हमने तीन डबल क्रोशिया नहीं किया क्योंकि तीन चेन किया वो, इसलिए दो ही डबल क्रोशिया किया और एक ये तीन चेन वाला एक डबल क्रोशिया के बराबर हो जाता है इसलिए। फिर दो चेन और फिर ये तीन डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया और ये तीसरा डबल क्रोशिया, ऐसे ही। फिर एक चेन, फिर इसमें हमें तीन डबल क्रोशिया, दो चेन, तीन डबल क्रोशिया बनाना है। तो मैं आपको ये पूरा राउंड कंप्लीट करके इस तरह से दिखा देती हूँ। देखिए ऐसे ही करके मैं इसमें ही बनाऊंगी तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा।
ये देखिए हमने पूरा कर लिया है, फिर दो चेन और फिर हम यहाँ पे जो तीन चेन किए थे यहीं पे हमें ऐसे ऐसे स्लिप नॉट से दाब देना है, फिर एक चेन लेकर कट कर देना है। इसका भी काम हो गया हमारा, ये देखिए इतना अच्छा सा बन जाएगा, इतना सुंदर सा। अब मैं एक ग्रीन कलर का यूज़ करूँगी। फिर से इस वाले गैप में हम शुरू करते हैं, बीच वाले से ही, यहाँ से जहाँ हमने बनाया था, ये जहाँ पे हमने ये दो चेन और ये बनाया था। रुक जाइए एक सेकंड, दिखाती हूँ मैं आपको। इसको मैं मतलब बांध देती हूँ ऐसे, देखिए ऐसे। फिर यहाँ तीन चेन, ये देखिए हम इस वाले गैप में ही बनाएंगे, जहाँ पे तीन डबल क्रोशिया, दो चेन, तीन डबल क्रोशिया, यहीं से शुरू करते हैं। फिर ये तीन चेन बन गया, फिर हम दो डबल क्रोशिया लेंगे, एक डबल क्रोशिया, फिर ये दूसरा डबल क्रोशिया, फिर दो चेन, फिर इसमें ही तीन डबल क्रोशिया बनाना है, एक डबल क्रोशिया, दूसरा डबल क्रोशिया, ये तीसरा डबल क्रोशिया, उसके बाद हमें एक चेन लेना है, एक चेन लेकर। अब ये जो गैप बन रहा है एक चेन वाला, इसमें हमें सिर्फ तीन ही डबल क्रोशिया बनाना है, एक डबल क्रोशिया, ये दो डबल क्रोशिया और ये तीसरा डबल क्रोशिया, फिर एक चेन और फिर यहाँ हमें तीन डबल क्रोशिया, दो चेन, तीन डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। देखिए ये हो गया, ये दो डबल क्रोशिया, ये तीसरा डबल क्रोशिया, फिर दो चेन, फिर दो चेन और ये फिर तीन डबल क्रोशिया। ऐसे ही हमारा चलता रहेगा ये पैटर्न, यहाँ पे ये दो डबल क्रोशिया, ये तीसरा डबल क्रोशिया, है ना। फिर एक चेन लेंगे, फिर इसमें तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर हमें तीन डबल क्रोशिया, दो चेन, तीन डबल क्रोशिया बनाना है। जैसे ये हमने किया था वैसे मैं पूरा राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये हमारा टिकिया बनके तैयार हो गया। मैंने एक चेन लेकर इसमें यहाँ एक चेन लेकर बांधा है, फिर एक चेन लेकर यहाँ कट कर दिया है। ये देखिए इसके बाद में ये वाला टिकिया तैयार हो गया है। इसके बाद में ये व्हाइट कलर लगाऊंगी, ये वाला, इसका भी यही सेम पैटर्न है। एक सेकंड, यही से शुरू करेंगे, बीच से ही हम, बीच से शुरू करके ऐसे ही बनाना है हमें। तीन पहले तो तीन चेन करेंगे ये बांध कर, ये रहा एक चेन, दो चेन और ये तीन चेन, फिर हम यहीं पे ही दो डबल क्रोशिया, सेम ही पैटर्न चलेगा, ये रहा दो डबल क्रोशिया हो गया, फिर हम दो चेन और फिर इसी में ही तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, जैसे ही बनाया था रेड वाला ग्रीन वाला वैसे ही, ये दूसरा डबल क्रोशिया, ये तीसरा डबल क्रोशिया, ये हो गया। फिर एक चेन, फिर हम यहाँ पे बनाएंगे तीन चेन, अरे ओ सॉरी तीन डबल क्रोशिया, ये हो गया दो और हो गया तीसरा डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर इसमें हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, दो और ये तीसरा डबल क्रोशिया, फिर एक चेन लेकर, फिर इसमें हम तीन डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया और ये दो चेन और फिर ये तीन डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, ये तीसरा डबल क्रोशिया, है ना, फिर एक चेन। तो ये हमारा ऐसे चलेगा, यहाँ वाले बीच वाले गैप में हम तीन तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए बीच वाले गैप में हम तीन तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक चेन लेकर इधर से इधर जाना है। अब बाकी सब में हमें यहाँ पे हमें यही पैटर्न चलेगा, यहाँ पे भी यही बढ़ता जाएगा। तो ऐसा मैं तीन राउंड बनाऊंगी, एक राउंड हो गया, दो राउंड और बनाती हूँ, तो पूरा आपको बना के दिखा। देखिए यहाँ तक हमने बना लिया है, ये हो गया। फिर एक चेन ले ली हूँ मैं, अब इसको यहाँ पे मैं ऐसा स्लिप नॉट से कर लिए। फिर यहाँ तक आने के लिए हमें स्लिप नॉट का ही इस्तेमाल करना। देखिए यहाँ तक हम स्लिप स्टिच से ही आएंगे, फिर यहाँ से तीन चेन, देखिए यहाँ से हमें तीन चेन लेना है, इस वाले दो चेन वाले गैप से, यहीं से नहीं ले लेना है, यहाँ से लेना है, है ना। पहले स्लिप नॉट से यहाँ तक आएंगे हम, फिर ये एक तीन चेन तो हो गया, एक डबल क्रोशिया, ये दो डबल क्रोशिया,
दो चेन, फिर तीन डबल क्रोशिया, वही पैटर्न हमारा चलता रहेगा, है ना। दो और एक तीन, है ना, फिर एक चेन, फिर वही चलेगा। अब मैं दूसरी राउंड में भी ऐसे ही करूंगी, यहां से डायरेक्ट नहीं करना है, यहां से स्लिप नॉट से यहां तक आना है, फिर यहां से शुरू करना है हमारा। तो ऐसे ही मैं दो राउंड करके आपको दिखा दूंगी, पूरा तीन राउंड बिन लिया ना, एक दो तीन। अब मैं इसको आगे बताती हूँ, इसको हम वैसे ही जाएंगे, इसमें स्लिप नॉट करते हुए ये बीच में, ये हमें बीच में ही जाके ही करना है, इसमें जाके ऐसे स्लिप नॉट से। अब मैं ये ऐसे ही कर लूँगी, तीन चेन, दो डबल क्रोशिया, ये तो सेम ही चलेगा जो हमने बताया। अब मैं ये देखिए, एक और मैंने ऐसा ही बना लिया है, तो मैं इसको जोड़ना सिखाऊंगी। अब इस तरह से आप दो चार छः आठ जितना चाहे आप अपने जितना जरूरत है, जितना बड़ा बनाना चाहते हैं उस हिसाब से जोड़ सकते हैं, इधर से और फिर इधर से, फिर जैसे भी अपना। तो इसके लिए मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक बना देती हूँ पहले। देखिए तीन डबल क्रोशिया हो गया ना, फिर दो चेन, फिर तीन डबल क्रोशिया। हमें ये वाला तो वैसे ही बनाना है यहाँ तक। एक और डबल क्रोशिया बना दो पहले, देखिए हमें यहाँ तक मैं आपको बना के दिखाती हूँ, सेम ही बनाना है, कोई चेंज नहीं है, फिर उसके बाद आगे बताती हूँ। यहाँ तक हमने कर लिया, फिर ये एक चेन ले लिया है हमने। अब मैं इसमें पहले तीन डबल क्रोशिया कर लूँगी, ये जो कॉर्नर का है साइड का, उसमें हमें पहले ये तीन डबल क्रोशिया करना है। एक दो हो गया, और ये तीसरा डबल क्रोशिया करने के बाद जो दो चेन लेते थे, दो चेन ना लेकर हमें एक चेन लेना है। और इसका एक कोई सा भी कॉर्नर, ये देखिए फ्रंट साइड से ही हमें सीधे साइड से ही हमें ऐसे डालना है, ऐसे ऐसे डालकर ऐसे निकाल दिए फंदा, फिर हमें इसको ऐसे जोड़ दिए। और फिर वो तो बन चुका है, उसको हमें ऐसे छोड़ देना है, और फिर इसी में जिसमें हम बना रहे थे इसमें हमें तीन डबल क्रोशिया बनाना है, ऐसे इसी गैप में दो डबल क्रोशिया, और ये तीसरा डबल क्रोशिया हो गया। फिर से ये देखिए सीधा है, ये यहाँ हमने बनाया था, ये उल्टा सीधा, थोड़ा सा ध्यान रखिए। फिर ये देखिए यहाँ है हम इस वाले में, फिर हम इसमें भी इस तरह से डाल के ऐसे करके, और फिर ये जोड़ लेंगे ये ऐसे, ठीक है ये। फिर हम इसको फिर से फंदा लेंगे, फंदा हमें अब आगे वाले में, आगे वाले गैप में, एक चेन के गैप में हमें वही तीन डबल क्रोशिया बनाना है, एक दो और ये तीसरा डबल क्रोशिया। फिर से हम उसके आगे नेक्स्ट इस वाले जाली में, इस वाले इधर वाले में हमें ऐसे करना है, इसको ऐसे ही करना है। और इसको ध्यान रखना है कि जिसे हमें जोड़ना है वो चार राउंड बना होना चाहिए, 1 2 3 4, और ये जो हम इसको जोड़ेंगे वो तीन राउंड कंप्लीट करके चौथे राउंड से हमें जोड़ना है, इसलिए एक तो कंप्लीट होना चाहिए चार राउंड। और आप अगर चाहे तो पांच राउंड भी कर सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार, वो तो आप अपनी इच्छा पे कर सकते। देखिए ये फिर तीन बन गया है, फिर से हम इस वाले में ऐसे ऐसे जोड़ेंगे, ऐसे फिर से हम इसे और लेंगे, और इसमें जिसमें तीन बना है ना तीन राउंड, इस वाले उसमें हमें इस तरह से करना है, तीन डबल क्रोशिया बना लेना है, दो एक तीन, है ना। फिर से इसमें जोड़ देंगे ऐसे, ऐसे लेना है और इस तरह से जोड़ देना है, फिर इसको उसको छोड़ देना है, और इसमें हमें ऐसे जोड़ने में कुछ भी नहीं है, और आसानी से जुड़ जा रहा है और बन जाएगा आराम से। देखिए अब इसका नेक्स्ट ऐसे, फिर इसमें ऐसे, फिर तीन डबल क्रोशिया। तो इस वाले का हमारा चौथा राउंड भी बनता जाएगा और जुड़ता भी जाएगा। और एक तो चौथा राउंड बन ही चुका है वो उसमें का, पहले वाले टिकिया का, ऐसे आप जितना मन उतना टिकिया जोड़कर बना सकते हैं। ये अब हम बीच वाले में जोड़ेंगे, ये एक राउंड, एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, यहाँ ध्यान से देखिए, और तीन डबल क्रोशिया, तीन ही डबल क्रोशिया बनाना है हमें इसमें अभी। और फिर तीन डबल क्रोशिया के बाद हमें एक चेन लेना है, और ये देखिए लास्ट वाला बचा है इसमें, ये लास्ट यहाँ पे गैप, इसमें हमें इस तरह से
इस तरह से कर लेना है और फिर से इसी में ही हमें 3 डबल क्रोशिया और बनाना है। तो हमारा ये चौथे राउंड का मतलब इधर से टर्न करेगा इस वाले का, दूसरे वाले टिकिए का, ये देखिए 3 डबल क्रोशिया बना लिए। 3 डबल क्रोशिया करके उसमें जोड़ना था एक चेन करके और फिर 3 डबल क्रोशिया हमें बनाना है, ये देखिए। और फिर हम एक चेन ले लेंगे, यहाँ से एक चेन लेकर अब इधर सीधे हमें बना लेना है। जैसे 3 डबल क्रोशिया एक चेन, 3 डबल क्रोशिया एक चेन, ऐसे करके हम बनाते आए हैं। ऐसे देखिए 3 डबल क्रोशिया एक चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, अब ये आपका इधर से जुड़ गया और ये आपका पूरा राउंड ऐसे जैसे हमने ये सारा किया है वैसे हमारा यहाँ तक आ जाएगा। यहाँ पे आप गांठ बांधकर पहले एक चेन यहाँ पे स्लिप नॉट से जोड़कर एक चेन लेकर तोड़ सकते हैं या फिर इसी में ही हम अब आगे का डिजाइन बना सकते हैं। इसके बाद हम इस ऐसे ही पैटर्न में 3 राउंड और आगे बढ़ाएंगे। अब मैं आपको यहाँ से यहाँ कैसे करना है ये बताऊंगी। तो यहाँ से मैं यहाँ तक सेम बिन के बताती हूँ, जैसे बनाया है हमने वैसे ही बनाना है। बस यहाँ वाला जो दोनों के ज्वाइंट के बीच में हमें कैसे करना है ये मैं आपको बताती हूँ यहाँ तक करने के बाद। ये हमने इतना कर लिया, फिर से हम एक चेन लेंगे। अब देखिए ये जो दोनों 3-3 डबल क्रोशिया के बीच में जो हमने एक चेन लेके किया था वहाँ हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। लेकिन देखिए कैसे बनाना है, हम पहले इसको एक ही फंदा को हटाएंगे, फिर ये दो फंदे होगा, फिर इसको और फिर इसको बनाना था डबल क्रोशिया ही, लेकिन हल्का सा लंबा करने के लिए, है ना। फिर से हम क्या करेंगे, एक ऐसे लेंगे फंदा, अब ये बीच में जहाँ जोड़ा है हमने इसके बीच में, इसको भी वैसे करना है। पहले एक फंदा ही निकालना है, फिर ये दो फंदा और फिर पूरा। फिर अब इधर वाले साइड का इसमें भी पहले एक फंदा गिराना है, फिर दो और फिर ये दो, ऐसे। फिर एक चेन लेके फिर हमें ये जैसा हमने बनाया था सेम बनाना है, वैसे ही डबल क्रोशिया सिंपल, ऐसे 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। बस ये क्यों देखिए, इसको जोड़ने के लिए अब वैसे ही यहाँ पे भी करना है हमें, है ना। तो ये पूरा हम राउंड ऐसा, उसके बाद से तो जब हम नेक्स्ट राउंड में आएंगे तो फिर यहाँ 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे एक चेन लेकर, फिर यहाँ 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो वैसे मैं 3 राउंड करके करती हूँ, करके आपको दिखाती हूँ। देखिए इसके बाद हमने ये 3 लाइन बिन लिया है, 1, 2, 3, और पहले से ये 4 लाइन है। मैं देखिए यहाँ दिखा देती हूँ, देखिए 1, 2, 3, 4, ये तो हमने इसमें ही बिना था, फिर इसमें 1, 2, 3 ये लाइन, ये 3 लाइन ये हो गया है। इसके बाद मैंने ऐसा बनाया है, तो मैं आपको ये थोड़ा इधर बता देती हूँ। ये देखिए वो बनाने के बाद, इसका ये वाला करने के बाद हमें सब में जहाँ हमने एक चेन लिया है वहाँ एक डबल क्रोशिया लेंगे, और जहाँ पे हमने दो चेन लिया था जैसे ये बीच में कॉर्नर पे ही हमने दो चेन लेकर आगे बढ़े थे, तो यहाँ हमें 2 डबल क्रोशिया एक्स्ट्रा बनाना है, बाकी हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया ऐसे बनाना है, हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर। इस पे भी एक एक ही बनाते जाना है, हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया। अभी जैसे बीच है इसमें हमने 2 चेन किया तो हमें 2 डबल क्रोशिया कर लेना है, देखिए 2 डबल क्रोशिया ये हो गया। फिर से इसके ऊपर एक ही एक एक डबल क्रोशिया बढ़ाते जाना है, एक के ऊपर एक डबल क्रोशिया, इस तरह से कुछ इस तरह से। फिर यहाँ हमने एक चेन लिया था तो हमें 1 डबल क्रोशिया करना है, तो इसी तरह से मैं ये पूरा रो कंप्लीट करूंगी। इसको पूरा एक कॉर्नर से लेके ये सारा हमें इसी तरह से, देखिए मैंने इतना बनाया है तो हमें पूरा कंप्लीट करना है। मैंने ये डाइनिंग टेबल मैट या बड़े से टी टेबल मैट के लिए टेबल मैट बनाया है, बना रही हूँ। तो इतना बड़ा भी आप बना सकते हैं, ये मैंने 6x18 लगाया है, आप इससे कम भी 4x4 का भी लगा के इतना ही छोटा बना सकते हैं या बड़ा सा बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। जितना जोड़ के बनाना हो जितना बड़ा उतना बना सकते हैं। इसके बाद मैंने ऐसे करना है पूरे में, मैं पूरा करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमने सारा कर लिया है, अब मैं आपको यहाँ से ये ग्रीन कलर लगा के बताती हूँ किस तरह बनाना है हमें। तो सबसे पहले ऐसे गांठ बना लेंगे ऐसे। अब देखिए काउंट करते हैं, ये जो गैप में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाया था तो इधर से देखिए ये हमने 2 डबल क्रोशिया बनाया था, तो एक यहाँ से हमें ये वाला एक इधर जो इसमें 2 डबल क्रोशिया हमने बनाया था उसके एक इधर फंदा से हमें
ये इस तरह से बांधना है ऐसे। उसके बाद हमें 8 चेन बनाना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब ये जो 2 हमने इसी में डबल क्रोशिया किया था उसके इस बगल वाले में देखें, तो 1, 2, 3 इस चौथे में यहाँ पे है ना, यहाँ हमें ऐसे डबल क्रोशिया करना है यहाँ इस तरह से, हमें डबल क्रोशिया करना है इस तरह से। उसके बाद हमें एक एक में डबल क्रोशिया हो गया, ये 2 यहाँ, 3, 4 और 1, 5 ये देखिए ऐसे हमने कर लिया। और 5 में हमें 5 फंदों में हमें डबल क्रोशिया करना है। फिर अब 5 चेन बनाना है, 1, 2, 3, 4, 5। अब इधर 3 फंदा छोड़ना है, 1, 2, 3 फंदा, और चौथे में देखिए ऐसे फंदा ले लेना है, फिर देखिए 1, 2, 3 ये चौथे में हमें डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए फिर से हमें 1 डबल क्रोशिया, उसके बगल में दूसरा डबल क्रोशिया, तीसरा डबल क्रोशिया, ये चौथा डबल क्रोशिया और ये 5वां डबल क्रोशिया देखिए। और उसके बाद हमें 5 चेन, 1, 2, 3, 4, 5 चेन, तो कुछ इस तरह से हमें बनाना है। देखिए एक कॉर्नर पे हमें दो इस वाले छेद में 2 चेन के छेद में जो 2 डबल क्रोशिया किया था उसके बगल वाले से हमें उठाना है, फिर 8 चेन करना है ना। 8 चेन करने के बाद हमें यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से नहीं जोड़ना है, डबल क्रोशिया से करना है। डबल क्रोशिया से हमें 5 डबल क्रोशिया आगे बनाना है। उसके बाद हमें 5 चेन लेना है और ये 3 छोड़ना है, 3 फंदा छोड़ के चौथे से फिर 5 डबल क्रोशिया बनाना है, फिर 5 चेन, और कॉर्नर में हर कॉर्नर में हमें 8 ये करना है, 8 चेन। उसके बाद ऐसे ये 4 यहाँ छोड़ना है, और सब में तो देखिए है ना, 1, 2, 1, 2, 3 चौथे में करना है ऐसे ही। तो ऐसे ही मैं पूरा करके आपको दिखाती हूँ। ये हमने देखिए हमने तो सबने बना लिया है। अगर किसी में ये जो फंदा है तो एक्स्ट्रा बचेगा, जैसे यहाँ पे चाहे कहीं और लास्ट में, तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो बीच का है ना ये हमें परफेक्ट करना है। बाकी आप इस साइड इधर थोड़ा सा काउंट करते हुए इसमें फंदा बढ़ा घटा सकते हैं, बाकी ये 5-5 ही बनाना है। और ये थोड़ा सा यहाँ पे हमें ये कोना आना चाहिए थे, इसको ध्यान में रख के हमें बनाना है। तो देखिए मैंने कहीं 5-5 भी ले लिया है अंदर की तरफ, जैसे 1, 2, 3, 4, 4 छोड़ के 5वें में लिया है, इधर 3 छोड़ के 4 में लिया था, तो वो हमें मैनेज करते हुए चलना है। तो मैंने यहाँ तक बना लिया है। अभी देखिए इसके बाद हमें थोड़ा इसको बैक में जाना है, तो इसको हम थोड़ा सा पलट लेते हैं ऐसे पलट के, और एक सेकंड इसको, और हम ये क्या करते हैं कि यहाँ पे हमें थोड़ा पीछे की तरफ लेना है, ऐसे ही हम स्लिप नॉट से ले लेंगे। कहाँ तक यहाँ पे आना है हमें, 5वें वाले फंदे में, ये देखिए ये है, इस फंदे को इस तरह से स्लिप नॉट से यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए ये है ना, ये फंदा है हमारा, इसको पहले इधर से निकाला, फिर ऐसे, और ये फिर यहाँ पे स्लिप स्टिच से करके पीछे की तरफ से हमने ले लिया। अब चाहे तो यहाँ पे 5 फंदे इधर बना के 5 डबल क्रोशिया उसके बाद शुरू कर सकते हैं। मैंने यहाँ से पहले चेन ही शुरू कर दिए थे इसलिए ऐसे हुआ है। इसके बाद
हमारा ऐसे फंदा लेना है और उसके बाद इसमें हमें 16 डबल क्रोशिया का बनाना है यहां से। ये इसीलिए मैंने हमें पीछे आना पड़ा ऐसे ऐसे। एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, मैं 16 बना के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारा पूरा 16 बन गया है। 16 बनने के बाद ये जो हमारा पांचवा फंदा है यहाँ पे हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया कर लेना है। अब हम इसमें 11 बनाएंगे। बस केवल कोने पे ही हमें, देखिए ये कोना है, इसी में हमें 16 बनाना है, बाकी सब में हमें इस वाले गैप में 11 डबल क्रोशिया करना है। देखिए ऐसे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस और ये एक 11 डबल क्रोशिया कर लिया। फिर से हमें पांचवे फंदे पे यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया से ऐसे जोड़ देना है। तो हमारा यही पैटर्न पूरे राउंड में चलेगा। देखिए तो कुछ इस तरह से बनेगा। इसमें हमें 16 करना है और इन सब में हमें 11 करना है। फिर से हम इस कोने पे आएंगे तो इसमें हमें 16 करना है और हमें बीच से ही सिंगल क्रोशिया से जोड़ना है और फिर इधर सिंगल क्रोशिया से जोड़ना है। हर एक में हमें जो पांचवे का मतलब बीच है, तीसरे में हमें जोड़ना है। तो मैं पूरा राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, हमने सारा बना लिया है। ये देखिए, ये मैंने छोटा सा सैंपल ये बनाया है। देखिए जैसे ये हमने कर लिया, अब मैं ये वाला राउंड करूंगी। आपको मन चाहे तीसरा राउंड, चौथा राउंड कर सकते हैं। मैं ये अभी ये येलो वाला राउंड मैं आपको सिखाऊंगी इसके बाद। तो पहले देखिए, इसको हम इसको ज्वाइन करेंगे। इतना बन गया 11। इसके बाद इसमें हमें ऐसे स्लिप नॉट से यहाँ ज्वाइन करके एक चेन लेकर यहाँ कट कर देना है। देखिए हमने यहाँ धागा कट कर लिया। अब मैं आपको यहाँ से सिखाती हूँ दूसरा कलर लगाने के लिए। देखिए कॉर्नर है, कॉर्नर का एक छोड़ के यहाँ से आप कहीं से भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ से सिखा देती हूँ आपको। इसके लिए देखिए, ये 11 हमने बनाया है तो इधर हम देखिए 1, 2, 3 इस चौथे में हमें डालना है ऐसे फंदा। ऐसे धागा फंदा डालकर इसको चेन से बांध देना है। फिर एक चेन करना है, उसके अगले वाले फंदे में हमें सिंगल क्रोशिया करना है। तो देखिए, एक सिंगल क्रोशिया, ये दूसरा सिंगल क्रोशिया, ये तीसरा सिंगल क्रोशिया, चौथा और ये पांचवा सिंगल क्रोशिया। पांच सिंगल क्रोशिया करने के बाद हम अब 6 चेन करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 चेन। अब तक हम 5 चेन कर रहे थे। अभी देखिए, फिर से हमें 3 छोड़ना है। 1, 2, 3 ये वाला चौथे में हमें सिंगल क्रोशिया से अटैच करना है और फिर 4 सिंगल क्रोशिया और बनाना है। 2, 3, 4 और ये 5 हो गया। फिर से 6 चेन, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। अब हम यहाँ पे देखिए, इधर भी 3 बज गया, 1, 2, 3 बज गया। फिर इधर से 1, 2, 3, 4 यहाँ हम लगाएंगे ऐसे। अब ये चूंकि एक कॉर्नर का है तो यहाँ हमें 2 सिंगल क्रोशिया और 3 ही बनाना है सिंगल क्रोशिया। इधर 3 छोड़ना है, चौथे में करके 3 बनाना है। फिर यहाँ 8 चेन करना है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 चेन।
फिर यहाँ बीच में तीन छोड़ना है, एक दो तीन, और चौथे चार छोड़ना है और पांचवे में यहाँ पे देखिए। तो हमारा ये कितने हो गए, इधर तीन छोड़ा और ये तीन, छह और पांच ग्यारह, और इधर हमारा तीन बनाएंगे, एक तो ये बांधे तो ये बन गया, और ये दूसरा, ये तीसरा है ना। अब एक दो तीन बच गया, ये फिर से यहाँ तीन बच गया, तो ये कॉर्नर का आ गया। देखिए इधर तीन छोड़ा, चौथे में किया हमने तीन है ना, उसके बाद से हमने चार फंदे छोड़े पांचवे में किया, और उसके बाद से दो और एक्स्ट्रा कर लिया, हमने तीन किया और आठ चेन बीच में। उसके बाद हम ये तीन इधर बच गया, देखिए एक दो तीन ये बच गया, एक दो तीन, अब फिर से आठ छह चेन, एक दो तीन चार पांच छह, फिर से हम इधर छोड़ेंगे एक दो तीन, चौथे में हमें सिंगल क्रोशिया करना है, और फिर पांच मतलब चार और कर लेंगे, तो एक दो तीन चार, जहां से बांधते उसे भी काउंट करना है सिंगल क्रोशिया में ही, देखिए चार हुआ और एक और पांच है ना। ये देखिए तो कुछ हमारा इस तरह से बनेगा, और ये इस तरह से होगा, यहाँ पे हम ऐसे हो जाएगा, आंख लेना है तो कुछ इस तरह से ही हमें बनाना है। कॉर्नर पे हम फिर से बता दे रहे हैं कि हम तीन छोड़ेंगे, चौथे में हमें बनाना शुरू करना है सिंगल क्रोशिया, कितने बनाने हैं तीन, उसके बाद से हमें आठ चेन लेना है, और ये चार छोड़ के पांचवे से शुरू करना है सिंगल क्रोशिया बनाना और तीन बनाना है। फिर इधर अपने आप तीन छूट जाएगा, इधर भी तीन, उसके बाद से छह चेन लेकर नेक्स्ट गोलाई वाले में चले जाना है। तो ऐसे ही मैं पूरा राउंड करके आपको दिखाती हूँ। सारा हमने कर लिया ना, अब इसको यहाँ पे हमने छह चेन कर लिया है, ये छह चेन करके हम इसमें ही जहाँ से हमने शुरू किया था वहां से हमें स्लिप नॉट से इस तरह से जोड़ देना है, फिर आगे की तरफ जाना है। कहाँ तक हमें देखिए, जो पांच बनाया था हमने यहाँ तक आना है, इसमें है ना पांचवे में, तो ये एक बनाया, एक और स्लिप नॉट, और एक यहाँ, ये हो गया, हम बीच में आ गए हैं। देखिए अब इधर भी दो हो रह गया, इधर भी और इधर भी दो। अब यहाँ से ही हमें शुरू करना है, यहाँ से हमें इसमें वही ग्यारह ग्यारह डबल क्रोशिया बनाएंगे सब में, दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस और ग्यारह, ये देखिए ये। उसके बाद से हम फिर से वही ये बीच वाले में हमें यहाँ पे इस तरह से सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर लेना है इस तरह से, तो कुछ इस तरह से बनेगा हमारा। यहाँ भी हमें ग्यारह ही बनाना है, मैं तो यहाँ इसके बाद से नहीं आगे अदर करूंगी फर्दर, दूसरे कलर से अगर आपको करना हो तो यहाँ थोड़ा ज्यादा बना लीजिएगा, जैसे यहाँ पे हमने 16 बनाए थे ना, वैसे ही आप यहाँ पे 16 बनाते देंगे, और फिर इसी तरह से हमारे यहाँ पे भी होगा, तो इस तरह से हमारा बढ़ता जाएगा अपना, जितना दो राउंड या तीन राउंड अच्छा लगता है, इससे ज्यादा अच्छा नहीं लगता है, तो तीन राउंड तक इस तरह से हम बढ़ा सकते हैं। तो मैंने इसमें दो ही राउंड करना है, वो जो छोटा वाला दिखाया था उसमें तीन राउंड मैंने किया है, तो इस तरह से हमें पूरे राउंड पूरे अब इस गैप में हमें 11 11 डबल क्रोशिया बनाते जाना है इस तरह से। तो मैं पूरा आपको फिनिश करके दिखाती हूँ, देखिए इसमें भी कितना हो गया, दो दो चार दो छः दो आठ एक नौ, दो और बनाना है, दस और एक ग्यारह, इस कुछ इस तरह से हमारा बनता जाएगा, पूरे में करके आपको दिखाती हूँ। देखिए ये हमने सारा फिनिश कर दिया है, तो देखिए कैसा लग रहा है,
तो फ्रेंड्स आप लोग भी ये इसे ट्राई जरूर करिएगा। ये टेबल डाइनिंग टेबल मैट या जैसे भी अपना 2 टिकिया 4 टिकिया 6 टिकिया जितना जी चाहे उतने टिकिया से आप बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।